स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे जानकर आप एक इंडियन होने के नाते गर्व महसूस करेंगे। हम इंडियंस कई सारे ऐसे कारनामे करते हैं जो पूरे विश्व में इंडिया को ऊंचा दर्जा मिलता है। हमारे देश के स्पेस स्टेशन इसरो उनमें से एक है। इसरो ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट को सफलता के साथ पूरा करके विश्व में इंडिया की एक अलग ही पहचान बनाया है, जिसमें मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशन शामिल है। वही साल 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। जो कोई भी देश नहीं कर पाया था वो इसरो ने करके दिखाया, जिसके चलते पूरे विश्व इंडियन इसरो को शक्तिशाली स्पेस सेंटर के रूप में देखने लगे। चंद्रयान 2 के बाद अब इसरो की लक्ष्य मिशन गगनयान। आगे जानेंगे डिटेल्स में मिशन गगनयान क्या है और यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसरो, जिसका फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की प्रतिष्ठा विक्रम साराभाई ने किया था 15 अगस्त 1969 में। इसरो की प्रतिष्ठा होने के बाद बहुत ही कम बजट में एक के बाद एक प्रोजेक्ट पर काम करके सफलता पाया है। अब इसरो की लक्ष्य मिशन 22, मतलब मिशन गगनयान। इस मिशन में इसरो 3 एस्ट्रोनॉट को महाकाश में भेजेगी और सुरक्षित वापस लाया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, दुनिया में सिर्फ 3 देशों ने महाकाश में इंसान को भेजने का सफलता हासिल किया है। इसरो ने अभी तक इंसान को महाकाश में नहीं भेजा है और ना ही इसरो के पास ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल था जिसके सहारे इंसान को महाकाश में भेजा जा सके। इसरो कई साल पहले से ही इंसान को महाकाश में भेजने का प्लानिंग कर रहे थे। 2022 में इस मिशन को सफलता के साथ अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसरो को कई सारे चीज बनाना पड़ रहे हैं। जो 3 एस्ट्रोनॉट को महाकाश में भेजा जाएगा उनके लिए स्पेस सूट तैयार हो चुका है। ये स्पेस सूट बेंगलोर के स्पेस एक्सरो में रखा हुआ है। इसरो की ये स्पेस सूट ऑरेंज कलर के है। केरला के तिरुवनंतपुरम में 3 साल पहले ये स्पेस सूट बनाया गया था। स्पेशल स्पेस सूट में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए अलग जगह है, जिससे एस्ट्रोनॉट घंटों तक सांस ले सके। इसके साथ इसरो ने एक क्रू मॉड्यूल भी तैयार किया है। महाकाश में इंसान को भेजने के लिए इसरो अपने शक्तिशाली GSLV Mark IV रॉकेट का इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, साल 2022 में मिशन गगनयान प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, जिसके लिए इसरो के हर एक साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मिशन गगनयान को सफल तरीके से पूरा किया जा सके। अगर भारत के मिशन गगनयान सफल तरीके से पूरा हो जाए तो भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने महाकाश में इंसान को भेजा है। देश में रहने वाले हर एक भारतीय के सपने को इसरो पूरा करेगी। इसरो के लिए हर एक भारतीय गर्व महसूस करता है। बस यही कहना चाहूंगा, देश के हर एक लोग इसरो के साथ है, हम जरूर कामयाब होंगे। मिशन गगनयान के बारे में आपकी क्या सोच है कमेंट पे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।